नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। एंटी करप्शन ने जिला परिषद के समाज कल्याण अधिकारी को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया है। कल इस घटना को लेकर जिला परिषद में हड़कंप मच गया। आरोपी यह वर्धा निवासी है, अनिल श्रावण वाल के, उम्र 56 वर्ष। अनिल वाल के यह दिसंबर माह से समाज कल्याण अधिकारी का पदभार संभालता है। बताया जा रहा है कि जब से अनिल ने अपना पदभार संभाला है, तब से छोटी छोटी बातों को लेकर वो लोगों को परेशान करता था। इसके खिलाफ कोराडी महादुला निवासी ने शिकायत दर्ज कराई है। उनके खिलाफ सदर थाने में भ्रष्टाचार निरोधक कानून तहत शिकायत दर्ज की गई है। यह कार्रवाई एसीबी अधीक्षक रश्मि नांदेड़कर, अपर अधीक्षक राजेश दुलहलवार के मार्गदर्शन में उप अधीक्षक संदीप जगताप और हवलदार प्रवीण पडोले ने की है। नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे तत्काल न्यूज लाइव। साइबर फ्रॉड का शिकार हुए दो लोगों ने साइबर पुलिस को शिकायत की। मामला दर्ज करके साइबर पुलिस ने क्विक एक्शन लेते हुए बैंकों से संपर्क किया। धोखेबाजी से खातों में ट्रांसफर की गई लाखों की रकम वापस पीड़ितों के खातों में जमा हो गई। पीड़िता मानकापुर निवासी वासु मित्र मिश्रा और दूसरे कलमना निवासी विनोद हेमनानी, उन्होंने अपने घर के टीवी में सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन लेना था। उन्होंने टोल फ्री नंबर पर कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। कुछ देर बाद दूसरे नंबर से उन्हें फोन आया, परेशानी पूछी गई। फोन करने वाले ने उन्हें कैंडिडेट एप्लीकेशन डाउनलोड करके 5 रुपए का पेमेंट करने को कहा। आरोपी ने उन्हें विश्वास में लेकर ओटीपी मांगा। कुछ मिनटों में ही खाते से 1.32 लाख रुपए ट्रांसफर हो गए। शिकायत मिलते ही इंस्पेक्टर अशोक बागुल ने अपनी टीम को काम पर लगा दिया। उन्होंने फ्लिपकार्ट वैलेट का अधिकारियों से संपर्क किया और कांस्टेबल कुणाल हटेवार ने नोडल ऑफिसर से पत्रकार व्यवहार किया और मिश्रा के खाते में पूरी रकम वापस आ गई। पीड़ितों ने पुलिस को आभार और पुष्प गुच्छ देकर सत्कार किया। बाद में उन्होंने अशोक साहब से मेरी बात कराई। अशोक साहब ने जिस तरीके से मेरे अंदर एक तो उनकी पूरी कन्वर्सेशन के समय मुझे एक कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, कुछ ना कुछ होगा। एंड ही वाज मोर एश्योर्ड देन मी, अशोक साहब के कुछ ना कुछ इसमें ज़रूर होगा। और 2-3 दिन के बाद वो पैसे मेरे बच्चे के अकाउंट में वापस आ गए। इस बीच में जब मैं बैंक पर गया तो बैंक वाले ने मुझसे पूछा कि भैया आप कोई VIP हो क्या? मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? तो साइबर सेल कंटिन्यूसली आपको फॉलो, आपके केस को फॉलोअप कर रहा है। मैं समझता हूँ कि नागपुर की जनता को कोई भी इस तरह की परेशानी आए तो उन्हें ज़रूर खुल के आना चाहिए। और साइबर सेल का जो मेरा एक्सपीरियंस है और बाकी पिछले 17, थैंक यू वेरी मच। कभी भी किसी तरह की कोई ज़रूरत पुलिस को लगे, आई एम देयर।